हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गैजेट्स एंड मोर विद मी गौरव पंत, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको लेटेस्ट गैजेट्स के साथ साथ बताते हैं उनकी खासियत के बारे में. सो व्हाट्स न्यू ऑन द ब्लॉक, व्हाट टू पिक एंड लॉट्स मोर. अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग न जाने कितने जतन करते रहते हैं, कभी देसी फॉर्मूला अपनाते हैं तो कभी विदेशी. तो चलिए आज मिलते हैं कुछ ऐसे ही हेल्थ गैजेट्स से जो रखेंगे आपको फिट और बनाएंगे आपको हिट. आजकल जिसे देखो हेल्थ कॉन्शियस है, हर कोई अपना वजन घटाने में लगा हुआ है, कोई अपनी डाइट का ख्याल रख रहा है तो कोई वर्कआउट कर रहा है. ऐसे में हेल्थ गैजेट्स बेहतर और फिट लाइफस्टाइल में मदद करेंगे. ये गैजेट्स ऐसे नहीं हैं जिन्हें आपने देखा ना हो या जिसके बारे में आप जानते ना हो. तो चलिए देखते हैं हेल्दी रहने के लिए क्यों जरूरी है ये गैजेट्स. यू तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ढेर सारे गैजेट्स और उनसे एक्सरसाइज करते लोग आपको जिम में नजर आ जाएंगे. ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते लोग अक्सर ये सोचकर इसे पसंद करते हैं एज इट्स इजी टू यूज, लेकिन पतला होने के चक्कर में इसका एक ही दिन में जबरदस्त इस्तेमाल या वॉक करने के बजाय दौड़ लगाना आपको मुश्किल में डाल सकता है. दिन भर भाग दौड़ करने वालों के लिए अपने पैरों में ताकत लाना जरूरी हो जाता है, और इसके लिए आपके पास विकल्प है इस लेग एक्सटेंशन का, जिसके सही इस्तेमाल से पैरों में जान आ जाती है. आजकल लोग बैठे बैठे ही थक जाते हैं क्योंकि कॉल सेंटर या एमएनसीज में काम करने वाले लोग घंटों बैठकर काम करते हैं और नतीजा वही बीमारियां. लेकिन एक गैजेट है जो आपकी मदद कर सकता है, हाइपर एक्सटेंशन, जिसके इस्तेमाल से कमर से संबंधित परेशानियों से कुछ हद तक निजात मिल सकता है. बूढ़े हो या बच्चे, घुटने का दर्द सबको रुलाता है, लेकिन इस आर्क ट्रेनर का सही इस्तेमाल घुटने में जान डालता है. अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप हेल्दी रहने के लिए इतने सारे हेल्थ गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाए, तो बड़ी सी दिखने वाली ऑल इन वन मशीन 360S आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, जिसे आप ढेर सारी एक्सरसाइज एक ही मशीन से कर सकते हैं. जैसा कि आप इन लोगों को करते देख रहे हैं, गैजेट्स तो ढेर सारे हैं जो आपकी जरूरत के साथ साथ शौक को भी पूरा कर सकते हैं. तो आप बेशक इनका इस्तेमाल कीजिए, मगर सावधानी से. तो चलते हैं इन हेल्थ गैजेट्स के गुरु के पास. साइज जीरो का फैशन हो या खुद को फिट रखने की बात है, दोनों ही चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है हेल्थ गैजेट्स की. तो क्यों ना इस बार हेल्थ गैजेट्स के बारे में ही थोड़ी बातें कर लें, और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने फिटनेस एक्सपर्ट अमरिंदर के पास. तो चलिए उनसे मिलते हैं. हाय अमरिंदर. हाय. हाय. आप काफी देर से मैंने देखा आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग और भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो पहले हमें ये बताइए कि हम यहाँ इस समय खड़े हैं लेग एक्सटेंशन के पास, इस मशीन के पीछे कौन सी मैकेनिज्म काम करती है? इसमें मैकेनिज्म जो उनसे काम करता है दैट इज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. इसमें जो उनसे मैकेनिज्म है जिसमें हमारा खाली नी का जो उनसे पोर्शन वो ये ऐसे हो सकता है या वापस आ सकता है इस मैकेनिज्म में. इस मैकेनिज्म में जो उनसे हमारी जो उनसी चीजें स्ट्रांग होती हैं वो हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल होता है, जो उनसे फ्रंट ऑफ थाई होता है बेसिकली, जो कि आप देखेंगे जितनी भी ओल्ड एज का नॉर्मल आजकल 22-24 ईयर्स की वुमेन्स जो उनसी भी है उनमें भी नी की प्रॉब्लम बहुत सारी आनी शुरू हो गई है. नी की प्रॉब्लम जितनी भी आती है उसमें बहुत सारे कंसर्न है, बट एक बहुत मेजर जो उनका कंसर्न है वो है इस मसल का वीक हो जाना, टूट जाना. जैसे जैसे आपका एज बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे आपकी बॉडी में से मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और उसके कारण हमारे जितने भी सराउंडिंग मसल्स हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं. तो ये वाली जो सी मशीन है आपके क्वाड्रिसेप्स को बहुत सुंदर तरीके से स्ट्रेंथनिंग करती है. क्यों ये मशीन हमारे पास ये वाली मशीन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे रेंज ऑफ मोशंस हैं. अदरवाइज ट्रेडिशनल मशीन्स में क्या होता है आपका मोशन एक ही बना होता है, अलग अलग नहीं होते हैं. इसी में मशीन में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसमें डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन है कि उसकी लेडी के हिसाब से, उसके पर्सन के हिसाब से, उसके मैकेनिज्म के हिसाब से, उसकी बॉडी मैकेनिज्म के हिसाब से जो सा भी रेंज उसके लिए सूटेबल है हम वही उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसकी रेंज बढ़े ना. अगर उसकी रेंज बढ़ जाती है तो उसमें इंजरी आने का डर होता है. अब इसके बगल में ही है ये बैक एक्सटेंशन. आजकल
ज्यादातर हमारा काम होता है कि हम बैठ के काम करते हैं, तो शायद इस इंजरी को कम करने के लिए इस मशीन को इजाद किया गया। ये बहुत ही अच्छी मशीन है इसलिए क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन, अगर आप देखेंगे 90% ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोअर बैक की प्रॉब्लम सफर करती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बैठने का काम है। तकरीबन सारों का सेडेंटरी वर्जन से वर्क हो गया वो बैठने का हो गया, उसके कारण क्या होता है टमी बार आ गए हैं, जंक फूड एंटर कर चुके हैं, इसके कारण हमारा लोअर बैक सर्वाइकल प्रॉब्लम जितनी भी है दैट्स अ नेक प्रॉब्लम, दिस इज लंबर एरिया प्रॉब्लम जिसको हम बेसिकली लोअर बैक पेन बोलते हैं और बहुत ज्यादा चिड़नी शुरू हो गई है। कंसर्न सेम क्योंकि वो मसल वीक हो गया है एंड दिस इज एक्सरसाइज, बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है, एक 60 इयर्स एज वुमेन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें बैठना है, खाली लेट के नहीं करना है, झुक के नहीं करना है, खाली आपको बैठना है और आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग ऑटोमेटिकली बहुत ही 0 degree कंसर्न से हो जाएगी विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन एनी।